نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين كتني يات برينتي يا ابني جي 46 ستارت كيتي افلم يسيروا في الارض فتكون لهم क्या भला वो चले फिरे नहीं जमीन में अगर तो वो चले फिरे होते तो उनके दिल बदल जाते क्योंकि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के नबी के नजदीक जमीन की सैर तफरी करनी चाहिए और लेकिन उसका मकसद क्या हो सियाहत का कि इंसान से कुछ लर्न करे इंसान कुछ सीखे कल इसी भी मैं बात की थी कि सफर से इंसान बहुत कुछ सीखता है अगर लर्नर हो हम और यही है सफर कामयाबी की कुंजी है ना ये कहा गया लेकिन हम लोग तो इतने सफर करते हैं लेकिन हम लोग लर्न नहीं करते हैं इस वजह से हम जैसे जाते हैं हम वापस भी वैसे आ जाते हैं तो यही पूछा गया है कि क्या इन्हें सफरों से कुछ अक्ल और दानिश और नसीहत तो और इबरत की बातें हासिल हुई हैं कि नहीं तो इस में उन लोगों से जिन्होंने ये सफर किए थे खास तौर पर अरब में जो रहते थे कहा जा रहा है कि क्या ये लोग जमीन पर चले फिरे नहीं इन्होंने मुखलिफ कौमों के आसारे कदीमा देकर इनके दिल नहीं बदले इनके दिल अक्ल नहीं रखते क्या इनके दिलों ने नसीहत नहीं हासिल की लहूम कलूब या खिलूना उनके लिए दिल हैं वो अक्ल रखते हैं बिहासात उनके किन के उन दिलों के आओ या आदन उन कान यो ना वो सुनते हैं बिहासात उनके फा तो बेशक बात ये है कि ला तामा नहीं अंधी होती अल अबसारु आंखें

कल्बुन क्या है है ये मोनस और इसी तरह मोनस थोड़ा सा देखिए अभी तो पढ़ के हैं ना रिसेंटली तो अभी तो आपको पता भी होगा तो यहाँ पे दरअसल जो है बात की जा रही है इंसान के अंधेपन की कि इंसान अल्लाह ताला इंसान को दिल दिया इंसान को कान दिए इंसान को आखें दी लेकिन जब हम उनका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते उनको बस जाहरी तौर पर यूज करते हैं किसी भी चीज की दो जिंदगी होती हैं एक उसकी जिंदगी होती है क्या होती है एक उसकी जिंदगी हिसी होती है एक मानवीय होती है हिसी बॉडी को कहते हैं हिस ठीक है हिस बॉडी एक उसकी सबसे मेटेरियलिस्टिक जिंदगी होती है जाहरी जिंदगी होती है जैसे आंख है ना तो आंख से हम देखते हैं कान से हम सुनते हैं अभी मैं जो कह रही हूँ आप सुन रहे हैं आप अपने कॉपीज को देख रहे हैं और दिल से दिल तक जा रहा है लेकिन एक मानवी काम उसका यह होता है कि दिल का काम है कि वो अकल हासिल करता है नसीहत पकड़ता है उसे कुछ लर्न करता है कान है ना तो कान एक तो सुन रहे हैं आवाजें जो आवाजें आ रही हैं एक होता है सुनना इस तरह से कि इंसान उसको उस पर गौर कर सके यानी उसकी समात उसको गौर फिक्र पर मतवज्जो करे ऐसा सुनना कि सुनकर उस पर कान धरा जाए मतलब तो देखें कि अल्लाह ताला का सुनना और हमारा सुनना कितना फर्क है ना अल्लाह तो समीअ है और हम कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन तो रहे होते हैं आग, में फर्क होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको बातें बता रहे हैं ना वो सारी लाते जा रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है महसूस करवा रहे हैं कि उनको समझ आ रही है लेकिन आप उनकी रिएक्शन देखते हैं फेस पर बिल्कुल जीरो रिएक्शन यानी आपको साफ पता चलता है कि ये जो बात मैंने कही है ना ये इसके जहन और इसकी अक्ल से बाला आ है यानी इसको समझ नहीं आई हम्म ठीक है तो एक तरह का ये सुनना और दूसरा सुनना कि आपने सुना और सुनकर उससे कुछ आपने नतज निकाले फिर इसी तरह आंखें आंखें एक होती है कि आप सामने चीजों को देख रहे हैं और एक होती है देख कर आप उससे लर्न करते हैं तो इसीलिए तो कुफार को और मशरक़ी मक्का को सुमन बुकमन अमीन कहा इसलिए नहीं कहा था कि उनकी आंखें आती थी या उनकी, न, उनकी जुबान नहीं थी या उनके कान नहीं थे वो सुन नहीं सकते थे सब कुछ करते थे लेकिन जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया यानी वो मी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे उनको ने उनको अम्यून कह दिया यहाँ पे भी बात हुई कि वो बंदा जो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखता है कानों से बहुत कुछ सुनता है लेकिन जब उसे इबरत और अकल हासिल नहीं करता तो यूं समझे बावजूद वो अंधा है कान रखने के बावजूद वो बहरा है आवन वन सेवन ने फरमाते हैं सुम्म ला के उन लोगों की मिसाल, कुफर किया, उस की मिसाल जैसी है जो इन जानवरों को आवाज देता है जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ भी नहीं सुनते हम्म पुकार और आवाज के सिवा कुछ भी नहीं सुनते जानवर कहा उन लोगों को जो सिर्फ कानों तक टुकराने वाली आवाज़ को महसूस करते हैं लेकिन गौर नहीं करते इबरत नहीं लेते तदब्बू तो नहीं करते इसका मतलब है कि कुरान को सुनकर कुरान को की एक्सप्लेनेशन सुनकर कुरान की रेसिटेशन सुनकर कुरान को पढ़कर भी जब हम इबरत ना लें तो फिर हम किस जैसे होंगे कमा सल्लियान एक आपको पता है कुरान के अंदर ही कहा गया कि अफला ये अम अला ये पे क्यों नहीं करते क्या इनके दिलों पे ताले लग गए हैं तो इबरत तदब्बर गौर करने से क्या होता है हिदायत मिलती है इंसान को समझ आती है तो कितने ही ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो कुरान को सीख चुके हैं या सीख रहे हैं मगर कुरान के साथ एक रिश्ता नहीं हम्म एक ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से दुआ क्या करें जब भी आप कुरान को पढ़ते हैं अल्लाह मुझे कुरान के वर्ड्स नहीं चाहिए मुझे कुरान की रूहानियत चाहिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए मुझे मेरी तासीर मुझे इसकी पहुंचे मेरा दिल बदले दिल नहीं बदलेगा जिंदगी नहीं बदलेगी तो फायदा यही तो अल्लाह ने कहा ये क्या उनके दिल नहीं है दिल अक्ल नहीं रखते दिलों के अंदर खटक सी पैदा नहीं होती तो जिसका दिल अक्ल से हाली हो उसकी आंखों और कानों का भी उसे कोई फायदा नहीं होता सबसे मेन काम ही दिल का है जो दिल का अंधा होता है जिसके दिल में अक्ल नहीं होती और आपको पता है कि दिल के कंट्रोल में ही सब कुछ होता है तो जो बंदा अपने दिल को ठीक नहीं कर सकता तो आंखें कितनी ही प्यारी क्यों ना हो कान कितने ही साफ क्यों ना हो फायदा तो नहीं है दिलों को बदलना है कुरान पढ़ते हुए भी और कुरान को पढ़ाते हुए भी लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी यानी अल्लाह ताला से दिल की आजजी मांगा करें इल्म जो होता है ना जो आजिज इंसान जब इल्म सीखता है तो उसका नतीजा पता क्या निकलता है अमल क्योंकि वो खुद को तलाश करता है अपने आये में देखता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ मुझे कहाँ पे किस कमी को दूर करना है तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में गौर करना चाहिए कि अपनी अपने दिल को जगाए नौ करें असल में हमारे दिल मुर्दा हो जाते जब दिल मुर्दा हो जाते हैं तो किसी की बात असर ही नहीं करती हमें देखा होगा कि हमारे गिर्द से लोग हैं बच्चे पेरेंट्स बच्चों को कितना समझाते हैं कि एक भी बात तो उनको समझ नहीं आती है बड़े जब बच्चे तो तो कि छोटे बच्चों के ऊपर नहीं अप्लाई करें कि आप करेंगे उनकी तो दिल्ली मुर्दा गए वो तो, तो उनको बचपना है या वो चीज होती है जब वो शोर की उम्र में कदम रखते हैं जवान हो जाते हैं फिर भी उनको सब कुछ बताया जाता है जैसे एक माँ अपने बच्चे का तीन नमाज पढ़ लो रोज रिमाइंडर देती है लेकिन उसको रोज उसकी बात का असर नहीं होता क्या उसका दिल मुर्दा हो गया और दिल मुर्दा होने में हमारे माहौल का बड़ा असर होता है हमारी कंपनी का हाँ, हमारे दोस्तों का हमारे हाँ, हमारी फैमिली का तो ये नहीं है कि आप अकेले बैठे बैठे ही मुर्दा हो जाते हैं आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट हर चीज मिलकर आपको दुनिया में डाल देती है दीन से निकाल कर तो इसलिए अपनी हिफाजत खुद करनी है ये नहीं क्या ना कि कोई आएगा हाथ पकड़ेगा और इस दलदल से निकाल कर हमें अच्छी और खूबसूरत जगह पर लेकर जाएगा और हमारे दिल जिंदा होंगे हमें हॉस्पिटल में पहुंच जाना है ये बात याद रखिए कुरान कोरो वैसे तो अगर हम बीमार हों दिल के मरीज हो तो हमारे रेलेटिव हमें ले जाते हैं या हमारे जो भी हमारे साथ रहते हैं हमारे निगरान ले जाते हैं जाके मेडिसिन लेते हैं ऑपरेट करवाते हैं जो भी होना आई सी में रखवाते हैं ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो लगवा देते हैं लेकिन जो दिल की जिंदगी है इसके लिए हमें खुद जाना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई लेकर जाएगा भी तो हम ऑपरेट नहीं करवाएंगे अगर कोई लेकर जाएगा भी तो हम कहेंगे हम तो बीमार ही नहीं है जब तक हम खुद नहीं महसूस करते कि हम बीमार हैं हम सेहत या नहीं हो सकते ये ऐसा मसला है ये ऐसा मर्ज है कि कोई किसी के चाहने से आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा इसकी मेडिसन तब खाई जाती है जब आप रियलाइज करें कि आपका दिल काम करना बंद कर गया है इस दिल में बातें टिकती नहीं है वक्ती तौर पर ईमान में बहुत इजाफा होता है लेकिन जैसे ही महफिल बदलती है अमल बिल्कुल वैसे होता है जैसे हम कर रहे हैं कोई भी फर्क नहीं आता तो पहली चीज हमने अपने आप को उस चीज पर राजी करना है वाकई मेरे दिल ने अकल करना छोड़ दिया दिल मुर्दा हो गए हैं जब इस तरह से कहेंगे तो फिर हमारा दिल चाहेगा कि हम जाएं डॉक्टर के पास जाकर सही करवाएं तो वो डॉक्टर कौन सा है कुरान वो डॉक्टर कौन सा है कुरान के साथी, की सोहबत, और फिर आप कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जो जब तक उनकी अः उनको डिस्कस ना किया जाए तो हम उसी मेंटके रह रहते हैं जब तो हम हमें एहसास होता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए ये सब कुछ छोड़कर माजी से अपना ताल्लुक तोड़कर हमें आगे अपने फ्यूचर के लिए अपनी आखरत के लिए जिंदगी जीनी है तो फिर वाकई दिलों को जिंदा करने को दिल करता है अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं जी दिल ही मुर्दा हो गया आप क्या फायदा दिलों को मुर्दा नहीं होने देना ना रिश्तों के मामले में ना अमल के मामले में ना अपनी जात के मामले में दिल का जिंदा होना ऐसे ही जरूरी है जैसे असल वाले दिल का जिंदा होना जरूरी है अगर आपका दिल खराब हो जाए या दिल में कोई मसाइल हो जाए तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कभी भी हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत क्या हो सकती है इसी तरह जब रूहान रूह दिल की रूह भी मर जाती है या मरने वाली होती है और कोई एक अमल हम कर रहे होते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर करीब होता है कि हमें हार्ट अटैक और ये अमल भी जाए और हम मुकम्मल मुर्दा हो जाए तो किसी एक अमल की तरफ देख कर खुश नहीं होते रहना कि हमें तो फला अमल करें हम पांच नमाजें पढ़ते हैं बाकी कुछ भी नहीं करते पांच नमाजे तो पढ़ते है ना तो कोई अमल नहीं ना साथ साथ अमल नहीं साथ इल्म नहीं साथ मोटिवेशन नहीं है तो एक दिन आएगा कि झटका लगेगा और वह नमाज भी गई या हो सकता है नमाज तो रहे लेकिन उसकी रोह खत्म हो जाए इसलिए हमारा काम क्या है अपने दिलों को जिंदा करना है हुँ? तो दिलों की जिंदगी के लिए सबसे पहले काम भी आपको बताया है जो आपने करना है और उसके इलाज को आप वैसे तो कुरान से भी शुरू कर सकते हैं कुरान से बेहतर इलाज किसी के पास नहीं है तो आज आप तदब्बर तो करेंगे अपने सलाह के लिए अपने दिल की जिंदगी के लिए इंशाल्लाह तो जब तदब्बर तो करेंगे तो खुद ब खुद हमें समझ आ जाएगी और आपको एक चीज और बतानी है कि कि साइंस जो है ना मौजूदा कहती है कि सोचना और समझने का तल्लुक दिमाग का काम है लेकिन अः मैंने वो कहते दिल का काम नहीं दिमाग का काम है और आपने देखा भी होगा कि थिंकिंग प्रोसेस की जब बात होती है तो टोटली वहां दिमाग 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 नफसियात में जो जो साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट होते हैं तो वो भी दिमाग पर ही दिमाग के लिए ही उनके अल्लाह ताला ने अक्ल का मरकज दिल को करार दिया है जो सीने में है ये भी लास्ट बता दिया फिर सुदूर इस दिमाग को बिल्कुल भी नहीं कहा जो सर में है तो बाज लोगों ने कहा कि कुरान ने साइंस की जुबान में बात नहीं की अदबी जुबान में बात की है मगर ये बात दुरुस्त नहीं है साइंस के नज़रियात बदलते रहते हैं हो सकता है इन फ्यूचर ये नजरिया सामने आ जाए कि हम गलत थे दिमाग काम नहीं करता असल मरकज दिल है दिल जो है दिमाग को पैगाम बेचता है और फिर दिमाग वहां पे यानी दिमाग रूम है और असल काम किसका है मेन हेड ऑफिस कौन सा है दिल है तो अल्लाह ने तो हेड ऑफिस की बात करनी है ना स्टोर रूम की तो नहीं करनी बड़ी जात बड़ी बातें करती है है ठीक अल्लाह का फरमान अटल है कभी गलत नहीं हो सकता लेकिन साइंस गलत हो सकती है ना इसलिए साइंस पे इतना अंदर यकीन नहीं करें दिमाग महज एक स्टोर है जिसका बटन किधर दिल में है और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ साइंस असल हकीकत तक पहुंच जाए और उ, उस दिल को अक्कल का मरकज तस्लीम कर ले। दिल के बारे में ही आप पढ़े ना बिहा असल में दिल ही है जहाँ पे अक्कल से हम काम ले सकते हैं तो इसलिए आपने कुरान में ना दमा का लफज कहीं पढ़ा ही नहीं कहीं पे भी नहीं दमा का लफ्ज पढ़ा जहाँ पे भी बात हुई कि अल्लाह तला हम हम कहते हैं ना अक्ल से काम लो अब देखिए कुछ लोगों के अंदर आपने देखी होंगे बड़ी समझदारी होती है।, ए, लेकिन दिल जो है ना उनके दिलों पर उनका कोई असर नहीं होता तो मेन असल में जिस अक्ल की हमें जरूरत है ना जिस अक्ल की हमें जरूरत है उसका ताल्लुक दिल से ही होता है कभी कभी फील करके देखिए जब मुझे ये बात पता चली तो बल्कि नहीं पता थी तो मैंने प्रॉपर इस पर पहले जब एक भी था तो फिर मुझे ये पता चला तो उस वक्त फिर मैंने थोड़ा सा महसूस भी किया कि वाकई दिमाग से काम दिल का होता है हम सोचते नहीं है कि दिल जो है मेन हेड ऑफिस है उस पर काम नहीं करते है। जी बस सीरत का तलुक दिल से ही है तो दिल पे ही हम इंशाल्लाह काम करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि इसको ठीक करें वो यस तरह जिलू न का और वो जल्दी मांगते हैं आपसे क्या बिलाजा भी अजाब को वलन और हरगिज ना युखलिफा खिलाफ करेगा अल्लाह अल्लाह वादा अपने वादे के वो वा इन्ना और बेशक योमन एक दिन इंदा नज़दी रोबी का आपके रब के अलफिन मानित एक हजार के का मानित के लिए का आता है तश्बी देने के लिए अल्फन था असल में तो काफ जो है जारा में से है ना तो काफ की वजह से ये अल्फी हो गया मानित एक हजार सनातीन साल के मिम्मा उससे जो तुम गिनते हो अब जो मुशरकिन थे से जल्दी जल्दी अजाब मांगते थे कि लाओ वो अजाब जिसका तुम बात करते हो दरअसल मकसद था अल्लाह के को जुटलाना आपका मजाक उड़ाना आपको लाजवाब करना तो कुरान ने इनके इस मुतालबे का कई जगह किया, सूरत 38 में भी हम पढ़ किया तुम और सूरत आए फिफ्टी थ्री मेंजिल अदबी सूरत के अंदर भी इवन के वो अल्लाह से बराह रास्त अजाब की दुआ करते हैं कहते हैं वक़ालू रब्बाना अजिल्लना क़ितना क़ब्ल यौमिल् हिसाब इन्होंने कहा ऐ हमारे रब हमारे हिस्से में जो अजाब तुमने लिखा है ना हमें क्या से पहले पहले दे दे जो है जल्दी भेज दे उनको ये यकीन नहीं था ना तो यकीन ना ना हो जब इंसान ऐसे ही करता है अजाब जल्दी मांगते थे कि जल्दी-जल्दी अजाब आए और अजाब आए तो हम और सोचते थे कि आना तो है नहीं तो हम नबीम को लाजवाब करें लेकिन स्वाति आए थर्टी टू में कहते हैं कि अल्लाह हम पर पत्थर बरसा दे या हम पर कोई दर्दनाक अजाब लिया अगर तू वाकई अजाब देने वाला है तो दरअसल अल्लाह ने तरीका थोड़ा चेंज किया था लास्ट आखिरी उमत पर कि मुसलमानों के हाथों उनको मनवाना था इसलिए कोई इजतमाई अजाब नहीं भेजा अल्लाह सुबह कहते हैं तुम टेंशन क्यों लेते हो ले वादा की हिराफ नहीं करता है जिस वक्त का किया तो नजरी और जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए वह तो बेहद हलीम और वसत वाला है इसकी दी हुई थोड़ी सी मोहलत भी बहुत ज्यादा होती है इसके नजदीक एक एक दिन तुम्हारे एक हजार साल के बराबर है वो आधे दिन की मोहलत देता है तो तुम्हारी नज़र में वो 500 सौ साल की मोहलत होती है अल्लाह की तरफ से आधे दिन की मोहलत है ठीक है और हमारी नज़र में कितने सालों की पांच सौ साल की क्योंकि उसके नज़दीक एक दिन एक हजार साल के बराबर होता है यानी अगर हम दुनिया में जिंदगी जी तो के जाते ना तो अल्लाह की काउंटिंग और अल्लाह की कैलेंडर और अल्लाह की क्लॉक के मुताबिक हम कोई आधा दिन के चार पांच घंटे जिंदगी जी के जाते हैं इसीलिए तो क्या के दिन हमें अफसोस होगा कि अल्लाह काश हम उन चार घंटों की ही हिफाजत कर लेते यानी वो दिन इतना बड़ा होगा एक हजार साल के बराबर आप इमेजिन करें एक हजार साल कौन जीता है आप देखेंगे कि जितनी जब से दुनिया आई है आप दो हजार पढ़े बीसवीं सदी ना तो एक हजार एक हजार ग्यारह सौ से लेकर अभी तक जितना अरसा गुजरा हमारी नजर वो कितना बड़ा लेकिन अल्लाह के नजदीक तो एक दिन है तो क्यामत का दिन भी इतना ही बड़ा होगा इतना बड़ा होगा इतना बड़ा होगा इंसान पछताएगा इतना को पछताएगा काश मैंने अपने वो चंद घंटों का एहतराम कर लिया हो तो वो चंद घंटे बचा लेते आज ही एक हजार साल का पूरा दिन मेरे हक में होता पछतावा बहुत बहुत ज्यादा पछतावा हमें परेशान करेगा ये चीज खास तौर पे मैं जब सोचती हूँ हजार साल के बराबर पछतावा दिल करेगा कि ये तो अभी हम फीलिंग्स है ना कि अब हम सोचे हमारा हमारा रिजल्ट आना और सब लिया आ जाए तो यहाँ फेल हो जाए तो प्रॉपर हम सोचते काश मैंने उस एक महीने में तैयारी कर ली होती तो वो रिजल्ट है कि उसकी सप्ली भी क्लियर नहीं हो सकती ना तो हम कहते हैं ना जब पेपर्स होने लगते हैं अभी कोई आपको ऐसा ऐसा चीज अनाउंस हो के जिसकी जॉब बड़ी अच्छी हो और सबको सैलरी भी अच्छी मिलनी हो कहा जाए कि आपने सिर्फ जो है ना एक माह मेहनत करनी है फिर इनशाला आप पास हो जाएंगे हमें एक माह पूरा टाइम देना है तो कोशिश होगी दिन रात टाइम दे आप सोचते हैं कि एक माह टाइम देना और फिर पूरी जिंदगी से फायदा उठाना है तो गोल्डन चांस है तो कितनी मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत जो समझदार लोग होते हैं ना वो अपनी उस अपरचुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहते तो पास हो जाते हैं और सारी जिंदगी फिर उसका फल खाते हैं तो इसी तरह इंसान क्या मत के दिन कहेगा काश मैं अपने चंद घंटों की हिफाजत कर लेता तो अल्लाह कहते हैं कि तुम मैं अपनी मोहलत के मुताबिक तुम्हें आधा दिन और एक दिन देखता हूँ तुम्हारे जो टाइम है ना उसके मुताबिक ये पचास हजार साल पांच सौ वर्ष हो जाते हैं कोई भी चीज अल्लाह की गिरफ्त से निकल नहीं सकती वो तो कितनी मोहलत दे दे, दे रस्सी जितनी भी दराज कर दे सबको उसी के पास आना है वाक और कितनी ही मिया बस्तियां अमली तो डील दी जाती है या डील दी मैंने लहा उन्हें वहिया जबकि वो गौली जालिम थी सुम्मा फिर आख पकड़ लिया मैंने उन्हें वह इलेज़ा और मेरी ही तरफ अलमसी लौट कर जाना है तो इस आयत में कानून मोहलत को दोहराया जा रहा है कि मैंने कितनी बस्तियों को उनके जुल्म के बावजूद तुम्हारी तरह मोहलत दी फिर मैंने उनको पकड़ लिया तो अगर किसी जालिम को उन पर अजाब आने में देर होती है या दुनिया में सिरे से उन पर अजाब ही नहीं आता फिर भी वो हमारी गिरफ्त से बच नहीं सकते हर हाल में हमारी तरफ ही लौटना है सब वादे वहां पूरे होंगे वहां देख लिया जाएगा कि तुम्हारे साथ हमने क्या करना है अल्लाह हम की हिफाजत फरमाए हमें आखरत के पछतावे से अल्लाह बचाए अल्लाह आखरत की सख्तियों से बचाए और हमें आज के जो चंद घंटे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करने की तोफीक अदा करें وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته